अगर आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और हमारे अमल में हुस्न पैदा हो हमारे रवैयों में ख़ूबसूरती आए और अल्लाह ताला हम से राजी हो जाए तो उसमें आप रिफ़ नरमी हिल बुरदबारी और अनाथ मामला फहमी और लोगों के साथ जो है वो ख़ूबसूरती कलाम में ख़ूबसूरती रवैयों में और खूबसूरती मखालत की और जो हमसाय के दोस्ती के हकूक़ हैं जिस तरह वालदे के हकूक़ हैं जिस तरह इस दवाजी हकूक़ हैं जिस तरह आपके हमसायों के हकूक़ हैं इस तरह आपकी दोस्तियों के भी हकूक़ हैं अपनी लहजों को नरम रखें इनमें तलखी ना तलखी नाएँ शतम से मना किया गया है और मामूली मामूली बातों पर पकड़ करने से रोका गया है और अगर ये रवैये बचपन में पैदा हो जाएँ तो बात फिर वो सानिया बन जाती है आदत बन जाती है और फिर जब आप बड़े होंगे तो वो आदतें वहाँ भी छुट नहीं पाएंगी चूँकि वो इस माहौल में आपके साथ जुड़ गई थी <स्थिये> किसी की टो में लग जाना किसी की गलतियाँ निकालने की सोच में रहना किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में रहना किसी की तजलील करने के ख्याल में रहना देखिए अगर आप ढूँढने निकलेंगे तो आपको फूल में भी कोई चीज़ नज़र आ जाएगी कोई नक्श निकल आएगा और अगर आप अच्छाइयाँ ढूंढने निकलेंगे तो आपको कांटों के भी कोई फ़ायदे नज़र आने लग जाएंगे कि इनसे भी ये फ़ायदे वाबस्ता हैं इसलिए आप अच्छाइयाँ ढूँढिए वो एक साहेब थे तो वो कहते मैं एक बुज़ुर्ग के पास गया मिलने के लिए और मैं उन उन एक बुराई को नोट किया एक उनकी खामी को नोट किया फिर मैं दूसरे बुज़ुर्ग के पास गया तो एक खामी मैंने उनकी नोट की इस तरह नन्ानवे बुज़ुर्गों के पास गया और जब सोवें बुज़ुर्ग के पास गया और मैंने कहा हजरत मैं नन्ानवे बुज़ुर्गों के पास गया हूँ और मेरी नीयत ये थी कि मैं उनसे बैत हूँ लेकिन हर एक की एक एक खामी से मैं आगा हुआ और अब आपके पास आया हूँ और कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरी नज़र बड़ी बारीक है मैं बहुत तेज़ हूँ तो मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ आप भी मोहतात रहिए तो वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि उनसे तो एक, एक खामी मिली है मेरे से तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी मैं तो सरापा है हूँ लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ कि तू उन नन्ानवे आदमियों के पास गया साल लगा दो साल लगे एक एक खामी तूने जमा की अब तेरे पास नन्नानवे खामियों का ज़ख़ीरा है काश के तू एक, एक खूबी जमा करता रहता तेरे पास एक सौ खूबियों का जखीरा मौजूद होता इसलिए अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको कांटों से भी खूबसूरती मिल जाएगी तो ये अपने अंदाज नजर को अपना कशकोल ठीक रखे तो फिर उसमें खैर पड़ेगी खुद माँ सफा व दा माँ कदर हमें एक जब्ता दिया गया है आप जहां भी जाए अच्छी चीज ले लें ले और जो बुरी है वो वहीं फेंक दें बात खत्म हम अच्छी फेंक आते हैं और बुरी जो है वो सीने से लगा लेते हैं और सारी जिंदगी उसी दलदल में फंसे रहते हैं जो बंदा अखलाक के से खुद अच्छा नहीं है तो वो जीरो है कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एक लाजमी चीज है कि हम जिस मनसब पे भी होंगे साथ उसने खुलक जुड़ा हुआ होगा दुध अंदर जे खंड लाइए मजा हो जावे धूना तो फिर स्वाद आ जाएगा लुत्फ आ जाएगा लेकिन अगर दूध भी हो तो उसमें बदखुल्की की कड़वाहट डाल दी जाए तो फिर आप डॉक्टर हैं आप मुहदस हैं आप मुद्क हैं आप मुफक्र हैं आप मुफ्तिय शहर हैं आप अल्लामा हैं आप पीर तरीकत हैं आप शोहर हैं आप बाप हैं जो कुछ भी हैं लेकिन ये सब के साथ बदखुल्की की कड़वाहट और तलखी शामिल हो गई तो आपका सारा ज़ाया हो गया तो बुनियाद क्या है आपका खुल् अच्छा होना चाहिए आपके लब मीठे होने चाहिए तो मीठे बोल बोलो लहजों में जमाल पैदा करो रवैयों में तलखी ना आने दो खूबसूरती पैदा करो और अपने अंदाज़ ज़िंदगी को मुरतब करो खल के खुदा के साथ अच्छे रवैये रखो बिलखसूस अपनी दोस्तियों में एक अच्छे दोस्त बन के उभर और अपने क्लास फैलोज के अंदर एक अच्छे क्लास फेलो के रूप के अंदर आगे आओ पीर के दिन आने वालों जुमा के दिन आने वालों तुम भी जब यहाँ से जाओ तो तुम्हारा अंदाज जो है वो मिठास से भरा हुआ हो तुम्हारे लफ्जों से खांड निकल रही हो शक्कर टपक रही हो तुम्हारे हरफों से और मिठास तुम्हारे लहजों में घुली हुई हो और तुम बात करो तो प्यार फैलता चला जाए और मोहब्बत फैलती चली जाए हाँ जहाँ कहीं सख्त बात करनी होती है वो भी एक मौका होता है लेकिन अमूमी रवैयों की मैं बात कर रहा हूँ तो अल्लाह ताली जल्लाशान हु हम सब को तोफ़ी कता फरमाए और जो कहा जा रहा है उसको समझने की रूहों में उतारने की अमल का हिस्सा बनाने की तोफ़ी कता फरमाए